friends, how are you? Welcome back to my YouTube channel, Fun and Learn with Aisha. Thank you for subscribing our YouTube channel. सबसे पहले आप लोग को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. फ्रेंड्स, हमारे देश को आजादी दिलाने में जिन जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन अर्पण किया, हम उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं. आजादी के आंदोलन में जितना योगदान पुरुषों का था, उतना ही महिलाओं का भी था. आपने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम उन महिला फ्रीडम फाइटर के बारे में जानेंगे जिनका नाम शायद ही आपने सुना होगा. तो आज का हमारा वीडियो कुछ खास है. इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे और सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर का नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं स्वरूप रानी नेहरू. इनका जन्म 1868 में लाहौर में हुआ था. ये जवाहरलाल नेहरू की माँ थी. इन्होंने अपने पति मोतीलाल नेहरू और अपने बच्चों को देश के लिए दे दिया. उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे. यह है कमला नेहरू. ये जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी. इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान मोर्चे निकाले. इन्होंने फ्रीडम फाइटर के इलाज के लिए घर पर हॉस्पिटल शुरू किया और मुफ्त में उनका इलाज करने लगी. विजय लक्ष्मी पंडित, ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी और जवाहरलाल नेहरू की बहन थी. सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में हिस्सा लिया और इन्होंने भारत के लिए राजदूत का काम किया. नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर कस्तूरबा गांधी, ये महात्मा गांधी की पत्नी थी. जीनम गांधी जी कहते हैं कि पत्नी थी. इन्होंने गांधी जी के सारे आंदोलन में उनका साथ दिया. अंग्रेजों ने उन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में बंदी बना दिया. इसी दौरान उनकी वहीं पर मौत हो गई. नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर इंदिरा गांधी, इनका जन्म 1917 में हुआ था. ये जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी. इन्होंने बचपन में बाल चरखा संघ और वानर सेना बनाई. 1942 में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से जेल में डाला गया. नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर सरोजनी नायडू, इन्हें नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. ये पहली महिला है जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया. इन्होंने गांधी जी के उनके सारे आंदोलनों में साथ दिया और दांडी आश्रम में गांधी जी का साथ दिया. ये भारत की पहली महिला है जो 1945 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी. ये भारत की पहली महिला गवर्नर बनी. नेक्स्ट इट्स पद्मजा नायडू, ये सरोजनी नायडू की बेटी थी. इन्होंने अपनी माँ की तरह 21 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और खादी का संदेश भारत में लाया. 1942 में इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से जेल में डाला गया. नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर बेगम हजरत महल, ये अवध की
बेगम के रूप में भी जानी जाती है। 1857 की अंग्रेजों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर इज एनी बेसेंट। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। इन्होंने भारत की स्वतंत्र संग्राम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। ये थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। ये पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। इन्होंने दो न्यूज़पेपर जारी किए जिनका नाम है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर इज भिकाजी कामा। इन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस में अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताया। वहां पर इन्होंने वंदे मातरम नाम का अखबार जारी किया। इन्होंने दो सोसाइटी बनाई, फ्री इंग्लिश सोसाइटी एंड पेरिस इंग्लिश सोसाइटी। इन्होंने 1907 में जर्मनी में पहली बार भारत का झंडा लहराया। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर इज दुर्गाबाई देशमुख। इन्होंने अंग्रेजी भाषा की विरोध में बालिका हिंदी पाठशाला शुरू की। 1930 की सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। आंध्र प्रदेश में आंध्र महिला सभा की स्थापना की। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर इज अरुणा आसफ अली। इन्होंने उस जमाने की सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए एक मुस्लिम कांग्रेस लीडर से शादी की जिनका नाम आसफ अली था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और सत्याग्रह आंदोलन की वजह से इन्हें कई बार जेल में डाला गया। गोवालिया टैंक मैदान में भारत का झंडा लहराया। ये इंकलाब न्यूज़पेपर की एडिटर थी। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर राजकुमारी अमृत कौर। गांधी जी के साथ आजादी के आंदोलन में उनका साथ दिया। इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस की स्थापना की। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान कई बार जेल गई। बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। जब ये हेल्थ मिनिस्टर थी तब एम्स की स्थापना की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर रयाना चल्लभ जी। इनका जन्म 26 जनवरी 1900 को गुजरात के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ। उनके फादर जज थे। उन्होंने भी गांधी जी के सब आंदोलन में उनका साथ दिया। बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन किए। ये यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें कई बार जेल में डाला गया। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये झांसी की रानी की रेजिमेंट की कैप्टन थी, इसलिए इनके नाम के आगे कैप्टन लगाते हैं। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ आजादी के आंदोलन में उनका साथ दिया। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर कल्पना दत्त। ये बांग्लादेश में चिटगोंग से थी। उन्होंने सुरिया सेन के साथ मिलकर इंडियन रिपब्लिक आर्मी बनाई। उसके बाद उन्हें जेल में डाला गया। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर मातंगी हाजरा। ये बंगाल के एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। ये बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। इन्होंने दांडी मार्च में गांधी जी का साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में ये शहीद हो गई। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर नालिनी बाला देवी। ये बचपन में ही विधवा हो गई थी। इन्होंने जुगांतर पार्टी ज्वाइंट की जो भारत की आजादी के लिए आंदोलन कर रही थी। पहली महिला थे जिन्हें कलकत्ता की जेल में डाला गया। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर ज्योतिर्माही गंगोपाध्याय।
इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मोमेंट और क्विट इंडिया मोमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर पीटी लता वागेदार, इन्होंने चिगोंद के सूला सेन की आजादी की मुहिम में हिस्सा लिया और बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई। ये 21 साल की उम्र में शहीद हो गई। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ। वो एक आदमी की तरह युद्ध में जाती थी और अपने दोनों हाथों से तलवार का इस्तेमाल करती थी। इन्होंने देश में महिलाओं के कल्याण के लिए और आजादी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट करके बताइए। सो नो क्विज टाइम। जिन सब्सक्राइबर ने हमारे वाटर वीडियो के क्विज के सही जवाब दिए थे, यह है उनके नाम एंड एंगुल भूमिका जनकिया, अर्पिता एस एंड फिजा फातिमा। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। आज के इस वीडियो के 3 क्वेश्चन, जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों ने कस्तूरबा गांधी को कहा बंदी बनाया था? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? एनी बेसेंट ने कौन से न्यूज़पेपर जारी किए? फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही जवाब लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। आई एम प्राउड टू बी इंडियन।